वोकेबलरी फोकस में अब हम पढ़ेंगे। वोकेबलरी फोकस में वोकेबलरी कहते हैं ज़हीरा अल्फाज को। सबसे फर्स्ट है प्लक, यानी तोड़ना। टू पुल समथिंग आउट, किसी चीज़ को बाहर की तरफ खींचना। थॉर्न कहते हैं अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोजेज, यानी ऐसा नोकदार हिस्सा जो कि किसी भी प्लांट के स्टेम पर होता है, जैसा कि रोजेज वगैरह पर। फेंस कहते हैं बाड़ को। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड और वायर सपोर्टेड विद पोस्ट्स दैट डिवाइड्स टू एरियाज ऑफ लैंड एज अ बाउंड्री, यानी फेंस ऐसा हिस्सा होता है जो दो एरियाज को डिवाइड करने के लिए दरमियान में लगाया जाता है और जिसको पोस्ट के साथ खड़ा किया जाता है, यानी वहाँ पे स्टिक्स भी हो सकती हैं और पोस्ट्स भी। पोस्ट कहते हैं खम्बे को, यानी उन चीज़ों की, खम्बे की या स्टिक्स की मदद से उसको डिवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं बाउंड्री। प्रिक्ट, प्रिक्ट का मतलब है चुभ जाना। टू मेक अ वेरी स्मॉल होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट, यानी किसी चीज़ में बहुत नोकदार चीज़ के साथ छोटा सा सुराख हो जाना। इसके बाद अगेन कुछ वर्ड्स हैं, बोथ, गार्डन, अर्ली, नोटिस। इनसे भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बोथ का सेंटेंस हम बना सकते हैं कि बोथ द फ्रेंड्स वर गोइंग टू स्कूल। गार्डन, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नोटिस, देयर वॉज अ नोटिस हैंगिंग ऑन द गेट।